राजस्थान के उदयपुर में हुई टेलर कन्हैयालाल की हत्या से जुड़े चार आरोपियों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज NIA कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान आक्रोशित लोगों ने आरोपियों पर हमला कर दिया। कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को 12 जुलाई तक NIA के कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले उदयपुर की एक कोर्ट ने दो आरोपियों को शुक्रवार को एक दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा था। उदयपुर के NIA कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपियों पर हमला हुआ है। उन्हें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन उसके बावजूद आरोपियों को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आरोपियों के कोर्ट में जाने के बाद 5 घंटे तक दरवाजा बंद कर दिया गया, लेकिन जब वो बाहर निकले तो जूते, चप्पल और डंडों से उनकी पिटाई। जब पुलिस उन्हें गाड़ी पर चढ़ा रही थी उस दौरान भी लोगों ने थप्पड़ों से उनकी पिटाई। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि जब उन्हें पुलिस की गाड़ियों में चढ़ाया जा रहा था, तभी उसके पीछे लोग पुलिस की सुरक्षा के बीच उन्हें पीटते हैं। एक आरोपी की गर्दन पकड़ते हुए उसे पीछे से थप्पड़ भी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस एक एक करके उन चारों आरोपियों को गाड़ी में चढ़ाती है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों की पेशी से पहले ही यहाँ मौजूद वकीलों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।